का? यही तो सवाल राहुल गांधी जी पूछ रहे थे, जेपीसी जांच की मांग कर रहे थे। क्या होता है, सदस्यता छीन ली जाती है। सदस्यता छीनने के बाद क्या राहुल गांधी जी को आप रोक पाए? मणिपुर जाते हैं राहुल गांधी जी, ना सांसद है, ना विधायक है, ना किसी संवैधानिक पद पे। एक नागरिक के तौर पर जिम्मेदारी दी, मणिपुर गए, गवर्नर को मिले, हालात बताए। तेलंगाना में 5 लाख लोगों की रैली करके आते हैं। पूरे देश में भाजपा बौखला गई है, हम इस लड़ाई को भी लड़ेंगे और जीतेंगे। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है अभिषेक मनु सिंघवी जी की, सबको कहूंगी इंतजार करिए हमारी आगे की लाइन का। कांग्रेस दे क्राइंग फाउल ओवर व्हाट्स हैपेंड ओवर दिस वर्डिक्ट, हियर्स द बीजेपीज रिएक्शन। न्याय के अनुसार किया अब कांग्रेस के पास जो है वो ऑप्शन बचते हैं, या तो हाईकोर्ट की डबल बेंच के पास जाएं या सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस फैसले को जो है चैलेंज करें। ये तो उनके ऊपर है, देखिए कानून अपने अपना काम किया है, उन्हें अपना काम करना है, क्या काम करेंगे वो आगे वो कानून में उसकी भी प्रक्रिया है। कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी आज हाईकोर्ट से, जो है राहुल गांधी को जो है वो राहत मिलेगी और वो एक बार फिर से संसद में आ सकेंगे इस नए संसद सत्र। क्या है, बोलने की आजादी को बकवास की और बेहूदगी की आजादी जब आप समझ बना लेंगे तो उसके बाद भी उम्मीद रखेंगे तो भाई क्या कर सकते हैं। लेकिन इस राहत ना मिलने के बाद भी कांग्रेस के दफ्तर के अंदर राहुल गांधी को लेकर नारे लग रहे हैं और कह रहे हैं राहुल गांधी संघर्ष करो, हम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। देखो क्राइम भी करेंगे और उसके बाद क्रांतिकारी भी बनेंगे, ऐसा लगता है कि कई इनके ऐसे करप्शन और क्राइम से जुड़े हुए मामले, उसके बाद ये क्रांतिकारी बन करके घूमते रहे। सर एक सवाल ये भी है, कल राहुल गांधी जो है शरद पवार से मिलने गए थे जब एनसीपी में टूट हुई है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस शरद पवार के साथ। देखो 24 के चुनावी चौपाल पर जो चाणक है वही चारोखाने चित दिखाई पड़ रहे हैं, तो जब 24 के चुनावी चौपाल के चाणक ही चारोखाने चित दिखाई पड़े तो अब आप मिलने जुलने दीजिए। जी ये केंद्रीय पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कैमरामैन अजय के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। उसको देखेंगे और 3 बजे मनु सिंघवी साहब इसको ब्रीफ भी करेंगे प्रेस को, मीडिया को। जहां तक सवाल है कि हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद देखा जाएगा कि आगे क्या इसमें लीगल रिमेडी क्या हो सकता है और ये भी देखा जाएगा, क्योंकि मामला फिर रिफर कर दिया गया है लोअर कोर्ट को, तो जो लीगल बैटल है वो तो चलता रहेगा। क्या आपको लगता है कि 24 से पहले निस्तारण हो जाएगा? कोर्ट ने भी कहा लोअर कोर्ट को कि आप जल्दी से जल्दी इस पर फैसला लीजिए, हम स्टे नहीं दे रहे हैं। हाँ मेरा ख्याल है कि सुप्रीम हाईकोर्ट का जो निर्देश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या लोअर कोर्ट को दिया है वो मैं समझता हूँ कि अब लोअर कोर्ट उस काम को जल्दी करेगा और जितना जल्दी होगा किसी नतीजे पर पहुँचेगा, और मैं समझता हूँ कि 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले हम लोगों को रिलीफ मिलेगा राहुल जी को। आप लोग भी तो भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, सहानुभूति आपको लगता है राहुल गांधी को है जब तक वो संसद से बाहर हैं, जनता जो है जुड़ रही है उनसे? देखिए जाहिर है, देखिए हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है वो ऐसा ही है कि जब किसी के ऊपर अन्याय होता है तो अन्य लोगों का की हमदर्दी, लोगों की सिंपैथी उसके साथ जुड़ जाती है। आज राहुल जी के साथ यही हो रहा है कि जिस तरह से उनको निष्कासित किया गया, जिस तरह से उनको सजा मिली, उससे लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हुई है और इसलिए लोगों की सिंपैथी मिल रही है और उसका फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा।